उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है ना, हमें दर्शन देके हमें निहाल किया है ना, उसका मैं किसी भी तरीके से उनका थैंक यू नहीं कर सकती। उनकी रहमत को बयान नहीं कर सकते। 5 साल के बिछोड़े बाद उन्होंने हमें हम पर परोपकार किया। उन्होंने हमें दर्शन देके हमारी प्यास बुझाई। हम उनके दर्शन भी मरे पड़े थे। मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक मेले में एक बच्चा भी छड़ता है ना, तो उस टाइप से हम इतना पिताजियों के लिए जैसे रो रहे थे, इतना उनसे बिछड़ के इतना हम तड़फ रहे थे ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती बिल्कुल भी। उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है ना, हमें दर्शन देके हमें निहाल किया है ना, उसका मैं किसी भी तरीके से उनका थैंक यू नहीं कर सकती। मैं पूज्य पिताजी से यही कहना चाहती हूँ कि पिताजी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हम बच्चों को अपने साथ जोड़ा, हमारी ज़िंदगी के सारे दुख गम दर्द सबको दूर कर दिया आपने। मैं कैसे कहूँ कि आप क्या हैं, मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती मेरी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, मेरे परिवार में आपकी क्या अहमियत है। तो मैं तो सिर्फ अपने बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि आपके साथ जुड़ी हूँ। आपने परिवार के सभी, समाज के जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, उन सब के परिवारों के दुख दर्द को आपने दूर करके जो शांति उनको दी है ना, उसको तो कोई कैसे भी बयान नहीं कर सकता। ये कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती, ये तो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में ही मिल सकती है। तो मैं सभी से ही कहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ये शांति चाहते हो और ये चाहते हो कि जीवन में हमेशा बाहर ही रहे, सदा सुखी ही रहे हम, तो उसके लिए आप एक बार प्लीज़ हमारे पिताजी से जुड़ के तो देखिए, उनके वचनों को सुन के तो देखिए। अगर आपको शांति ना मिले तो आप कहना, तो प्लीज़ आप एक बारी, और मैं इसके लिए मैं सिर्फ पिताजियों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही कह सकती हूँ, क्योंकि उनको देने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, जिसका कोई मतलब कोई गिनती नहीं है, बेहिसाब दिया है। तो पिताजी आपका बहुत बहुत थैंक यू, पिताजी आपका बहुत बहुत थैंक यू। उनकी रहमत को बयान नहीं कर सकते। 5 साल के बिछोड़े बाद उन्होंने हमें हम पर परोपकार किया। उन्होंने हमें दर्शन देके हमारी प्यास बुझाई। हम उनके दर्शन भी मरे पड़े थे, जैसे कि उन्होंने हमारे अंदर जान ही डाल दी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं, ना ही हमारी औकात है कि उनकी रहमत को बयान कर सके। कुछ भी बोल इतने लायक नहीं कि उनकी रहमत को बयान कर सके, ना ही लिख के गा सके, ना ही बोल के गा सके। उन पे हमें रहमत की, हमें दर्शन दिए, हमारे अंदर मुर्दों में अंदर जिंदा में जान डाल दी। हमारा पूरा परिवार सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है, और पूज्य पिताजी का हम ये आगे अरदास करते हैं कि पिताजी अब ना जाना प्लीज, हमारे पास ही रहना, हमारे पास ही रहना पिताजी प्लीज, यही रहना हमारे पास, क्योंकि अब जब जाते हो तो उसे कई दुगना ज्यादा हमें रोना दे जाते हो। आपका आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे बहन भाई हो, हमारे पास ही रहना पापा जी प्लीज, हमारे पास ही रहना। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि पूज्य पिताजी सब देश के सभी युवाओं को बेनतहा मोहब्बत करते हैं। आपकी चिंता हमारे गुरु जी को सदैव खाती रहती है। दुनिया में ऐसा ही कोई ही संत होगा जिसको अपने बच्चों से, पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से इतना प्यार होगा। पूज्य गुरु जी ऐसे हैं जिनको सदैव हर पल हर चिंता अपने बच्चों का फिक्र रहता है। हमारा यूथ जो कि नशों में जा रहा है, उनको उनका फिक्र खाए रहता है। तो सभी से अर्ज करूंगा कि सारी बुराइयां छोड़ के हमारे गुरु जी के साथ जुड़े, सत्संग में आए और नाम राम नाम के नाम के साथ जुड़े। गुरु जी जब से लाइव आए हम अपनी खुशी आपको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो पूज्य पिताजी जब नहीं थे तो हमारे शरीर बिल्कुल मुर्दे के समान थे, और जब से आए हैं इतनी खुशियां दे रहे हैं, इतनी खुशियां दे रहे हैं कि लगता है कि अब हमारी जान में जान आई है। और जो आकर हम इतनी अच्छी शिक्षाएँ दे रहे हैं, समाज को नशे से मुक्त करा रहे हैं, जो यूथ जो हमारा नशे की तरफ जा रहा था, तो ये शिक्षाएँ सुन के अब उनको थोड़ा
जैसा जीने का एक रास्ता जो दिखा रहे हैं उससे लगता है कि अब एक हमारा देश सही दिशा में जाएगा। हमें बहुत बहुत खुशी है पिताजी के आने की। पूज्य गुरु जी हमें जो है हमारी संस्कृति की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप आजकल देख रहे हैं कि लोग विदेशों में जा रहे हैं उच्च शिक्षा लेने के लिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो पूज्य पिताजी ने जो हमें दिशा दिखाई है उससे जो हमारी संस्कृति को एक नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी और हम लोग जो है उसकी वैल्यू कर पाएंगे, तो उसके लिए पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों जुड़े रहने सब्सक्राइब करो यूट्यूब से सच कहूं पंजाबी चैनल। इस बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।